नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम क्या करने वाले हैं कि आज की वीडियो में हम मेरी आईडी के कलेक्शन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी आईडी का बहुत ही अच्छा शानदार कलेक्शन। तो आप मेरे एक बार प्रोफाइल पर देख लीजिए। आप ये मेरी प्रोफाइल है जिसमें अभी 56 लेवल हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं जब से गेम खेलता हूँ उसको शायद एक साल भी नहीं हुआ होगा, और इसलिए मेरी आईडी में अभी तक 56 लेवल हुए हैं और 2400 के ऊपर लाइक्स हुए हैं। और आप देख सकते हैं मैं 4 बार बीआर रैंक में हीरोइक में जा चुका हूँ। आप देख सकते हैं मैं 4 बार बीआर रैंक में हीरोइक में जा चुका हूँ और 4 बार सीएस रैंक में भी मैं हीरोइक में जा चुका हूँ। तो यह मेरी कुछ प्रोफाइल है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे आईडी के मैं कितने कैरेक्टर अभी तक मैंने अनलॉक कर पाए हैं। तो हम चले जाते हैं सीधे ही कैरेक्टर में। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कई सारे कैरेक्टर है, जिसमें यहाँ पर स्काइलर है, यहाँ पे कैरेक्टर के है, हुकुम कैरेक्टर भी मेरे पास है जो कि मैंने अभी इंक्यूब कर रखा है, ये हुकुम भी है। उसके अलावा कई सारे कैरेक्टर है जो कि यहाँ पे डेमेट्री कैरेक्टर भी है और भी कई सारे, शायद मेरे पास ये 3 ही कैरेक्टर नहीं है और इसके अलावा सभी के सभी कैरेक्टर अभी मेरे पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरोना भी कैरेक्टर है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी आईडी में कितने बंडल है अच्छे अच्छे तो चलिए हम यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये रिक्वेस्ट आ चुकी है तो उसको मैं हम अभी के लिए रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 100 बंडल है। बंडल तो नहीं कहते हैं लेकिन क्या कहते हैं उसको मुझे मालूम नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक बंडल है, ये जो कि मेरे को शायद फ्री में मिला था, नहीं ये मैजिक क्यूब का बंडल है और ये भी शायद मैजिक क्यूब का ही बंडल है। आप देख सकते हैं और ये बंडल है जो कि मैंने अभी कुछ ही दिन पहले डायमंड रॉयल में से निकाला है। ये बंडल हमको सभी को फ्री में मिला था, आप देख सकते हैं। और ये बंडल है जो कि मैंने इलाइट पास लिया था, जो कि सिर्फ 104 डायमंड का इलाइट पास मिला था, क्योंकि वो मिस्ट्री शॉप आया था ना तो उसमें से मेरे को सिर्फ 104 डायमंड में ही मिला था। और ये मेरे को इंक्यूबेटर में से मिला था, लेकिन वो फ्री की टिकट क्या बोलते हैं इंक्यूबेटर के वाउचर जो फ्री में मिलते हैं ना, उसमें से मेरे को ये बंडल मिला। और ये BTS का बंडल है जो कि सबको फ्री में मिला है। और ये गोल्डन डायमंड रॉयल का बंडल है, ये भी मेरे को उसमें से निकाला था। और ये बंडल है एक शानदार, और ये बंडल भी हम सबको फ्री में मिला था। तो और भी कई सारे बंडल है, ये वेनम का बंडल है जो कि एक शानदार बंडल है। और ये सब टी शर्ट है, ये बंडल तो सभी के पास होता ही है, जो कि ये गोल्डन रॉयल का फ्री में मिला था। और ये बंडल भी मेरे को फ्री में मिला था, लेकिन ये बहुत ही शानदार बंडल है। और भी ये कई सारे बंडल है, आप देख सकते हैं। ये BTS का टी शर्ट है, और भी कई सारे है आप देख सकते हैं। ये टोपी है, बहुत सारी टोपियाँ मेरे पास, ये वेनम की टोपी है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ फीमेल का कलेक्शन। तो उसके लिए हम कोई भी एक फीमेल कैरेक्टर को इंक्यूब कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं मोको कैरेक्टर को। तो अब हम चलते हैं वेल्वेट में और भी अब दिखाता हूँ आपको इसका कलेक्शन। तो ये BTS का बंडल है और ये बंडल सबको फ्री में मिला था। और ये बहुत ही शानदार बंडल है। और ये बंडल है जो कि मैंने इलाइट पास खरीदा था, उसमें से वो मेल का मिला था और ये फीमेल का बंडल मिला था। और भी कई सारे बंडल है, तो आप बंडल देखें एक बार। अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और भी कई सारे बंडल है, आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें इमोट के बारे में, मेरे पास कितने इमोट है, तो आप देखो मेरे पास ये कई सारे इमोट है। ये सिर्फ मेरे को 19 डायमंड में मिला था ये इमोट, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को 19 डायमंड में ये इमोट मिला था। और ये लोअल जो कि मैंने 400 डायमंड में ख़रीदा था, और ये मेरे को 10 रुपये के स्पेशल एड्रॉप में से कहीं 3 इमोट मिले थे। और भी कई सारे इमोट है जो आप देख सकते हैं। अगर हम कलेक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे कुछ बैग है, आप देख सकते हैं बैग जो कि शानदार है। और लेकिन मैं एक बात बताऊं, मैंने एक भी बैग ख़रीदा नहीं है, ये सभी के सभी फ्री में मिले हुए हैं। ये लूट बॉक्स है जो कि ये भी सभी के सभी फ्री में मिले हैं, लेकिन यह लूट बॉक्स है जो कि इलाइट पास का लूट बॉक्स है। और ये क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम ये है। और ये सब बोर्ड ये सर कई सारे सब बोर्ड, ये मनी साइज का है। व्हीकल में देख सकते हैं मेरे पास कई सारे व्हीकल में भी स्किन है, इसकी एक भी स्किन नहीं है। यह एक ज़ोरदार स्किन है, बहुत ही बढ़िया। ये अभी कुछ क्या बोलते प्रोफाइल में लगते हो ना वो है। तो आप देखें, अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। यह कुछ बैनर भी मेरे को बहुत ही अच्छे अच्छे मिले हैं, कई सारे बैनर तो है मेरे पास, लेकिन ये 2-3 म्यूज़िक है जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ये कभी अभी मेरे पास ये नेम कार्ड चेंज पड़ा है,
21,000 मेरे को रैंक टोकन हो गए हैं। ये अभी वो कैरेक्टर है जो हम इसमें से हम कैरेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी कैरेक्टर नहीं निकाल रहा हूँ। मेरे को लगता है कि कोई नई कैरेक्टर आएंगे तो शायद इसमें आ जाएंगे, तब कैरेक्टर को निकालेंगे। अगर आपके पास भी ये कैरेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर है, तो आप एक बचा के रखना, ठीक है, ताकि कोई नया कैरेक्टर आए और उसमें इसमें इसमें ऐड हो जाए तो हम जो तुरंत ही इसको निकाल सकते हैं। तो ये मेरा कलेक्शन हो गया। और आपको मैं आपको गन की स्किन दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको पेट दिखा देता हूँ। मेरे पास 2 या 3 पेट है। ये मैंने ख़रीदा था, ये पेट है मिस्टर वेगल, और ये मेरे को फ्री में मिला था शायद, और कौन कौन सा, ये भी मेरे को फ्री में मिला था, और ये भी मेरे को फ्री में मिला था। यार कई सारे पेट फ्री में मिलते रहते हैं, तो आप ख़रीदे नहीं। और ये भी पेट मेरे को फ्री में मिला था, ये तो सबको मिला था, ठीक है। तो अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप ख़रीदे नहीं, आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। अब मैं आपको मेरी गन की स्किन दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको ईवो गन की स्किन दिखा देता हूँ, जो कि एक भी नहीं है मेरे पास, एक भी ईवो गन की स्किन नहीं है। क्योंकि यार जब से मैंने फ्री फायर खेलना स्टार्ट किया ना, तब से एक ही बार ईवो गन की स्किन आई है, नहीं 2 बार आई है, एक UMP की आई है और एक स्कार की है, लेकिन मैंने उस दोनों को ही नहीं निकाला क्योंकि मेरे पास डायमंड है नहीं, तो मैंने नहीं निकाला। ये मेरे पास कुछ गन की स्किन है जो कि मैंने अभी इनक्यूब करके रखी है, तो आप एक बार देख ले। अगर आपको ये पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना। इतने सारे मेरे पास कई सारे अच्छी अच्छी गन की स्किन है, लेकिन यार गन की स्किन को मैं ज़्यादा निकालता भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको फ्री फायर खेलना आता है तो गन स्किन नॉट अ मैटर करती है, गन की स्किन मैटर ही नहीं करती। ये बहुत ही अच्छी स्किन है जो कि मेरे को फ्री में मिली थी। ये UMP की 2 स्किन है, लेकिन मैं इसका यूज़ करता हूँ। MP5 की शायद एक ही स्किन है और VSS की एक भी स्किन नहीं है। ये P19 की जो कि सबको फ्री में मिली थी। अभी मैंने यार लास्ट 1 साल से किया ना, तो मेरे पास बहुत ही कम गन की स्किन है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। ये थैमसन की भी मेरे को फ्री में मिली थी। ये शॉर्ट गन है जो कि बहुत ही शानदार है, और इसको मैंने 9 दिन के लिए मिली है, तो इनक्यूब कर लेते हैं। तो यही कुछ थी मेरी फ्री फायर आईडी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और बस और तो क्या यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसमें ही मज़ा आता है यार। अभी यार सब्सक्राइबर बहुत ही बढ़ते ही नहीं यार। ये मेरा गिल्ड है, आप देख सकते हैं, ये मैंने नहीं बनाया, किसी और का है जो कि मेरा फ्रेंड का ही है। बस मैं अभी कुछ ही दिनों से इसमें आया हूँ, इस गिल्ड में। अगर ये आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना दोस्त यार, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो यार। अभी मेरे हीरोइक में रैंक, हीरोइक में क्या हो, अभी यार रैंक में 2800 रैंक हो चुका है, तो शायद हीरोइक में पहुँच जाऊँगा। और CS रैंक में तो अभी फिलहाल के मैं हीरोइक में ही हूँ। और यहाँ पे बायो में लिखा है सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मोज करी गेमिंग। अगर आप में से कोई भी भाई लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप मेरे साथ खेलना चाहते हो, तो ये मेरा यूज़र नेम है और ये मेरी आईडी है, जो UID है, जो कि फ्री फायर की आईडी है। इसमें आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कमेंट में बताएंगे तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन यार मैं ऐसे ही कि कई सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता यार, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेंड रखने में बिलीव नहीं करता हूँ। तो अगर आप अपनी UID एक बार वहाँ पर दे देते हैं, कॉमेंट में दे देना, उसके बाद ही मैं अपनी रिक्वेस्ट दूंगा, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं, मेरे पास 46 ही फ्रेंड है, देख सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फ्रेंड रखता नहीं हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो अगर ज़्यादातर कुछ देखने को मिले तो देखते रहना, क्योंकि चैनल पर बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है। तो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। थैंक यू।